हाँ, तो पहले सबसे पहले हमने माचिस की तिल्ली जलाई। माचिस की तिल्ली जलाने के बाद एक छेद हमने यहाँ पर किया, एक यहाँ पर किया, ठीक है। अब ये माचिस की तिल्ली बुझ गई, फिर हमने एक माचिस की तिल्ली, तो कुछ नहीं बोलता, चुप रहा बस, तो सुन जरा, हिलियो नहीं चाहिए वहाँ। तो ये फिर जो है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से हमने इसे छेद कर दिया। अब हमने एक धागा लेना है, धागा जो है एक धागा ले लिया हमने, कम से कम इतना बड़ा 1 मीटर के करीब हमने एक धागा ले लिया, ठीक है। अब हमने इसको इकट्ठा कर देना है, अब ये धागा हमने तोड़ दिया, लगभग जो एक 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर तक का धागा हो गया। अब हमने इसको यहाँ से इस तरह से इकट्ठा कर दिया और इसको इसके अंदर डाला और यहाँ से ऊपर निकाला और फिर इसको इसके अंदर डाला। ये आ गया, अब हमने इसको क्या कर देना है, बांध देना है हमें। इसको बोलते हैं पतंग की कन्नी बांधना। पतंग की कन्नी कैसे बांधते हैं, पतंग की कन्नी कैसे बांधते हैं, तो इस तरह से जो है ये पतंग की कन्नी बांधनी हमने आपको सिखा रहे हैं। ये देखो, ठीक है साहब, अब इसको हमने यहाँ बांध देना है, इस दूसरे वाले छेद पे हमने इसको अंदर डाला और दूसरे वाले छेद पे हमने इसको अंदर डाला और इस छेद पे फिर हमने इसको यहाँ अंदर डाला और इसको इकट्ठा कर दिया। ये अब इसे भी हमने एक गांठ बांध दी, क्या बांध दी, गांठ बांध दी है। ये लो, इस तरह से गांठ बांध दी। अब हमारा ये यहाँ हो गया, ये और ये, तो इस तरह से जो ये एक गांठ हम यहाँ पर इसको बांध देंगे। अब इस गांठ बांधने के बाद इस तरह से ठीक से इस गांठ को बांध दिया और अब हमने इस पे यहाँ पे जो क्या कर देते हैं, धागा बांध देते हैं, जो हमारी रील है उस रील को हम यहाँ पर बांध देते हैं, उस रील को हम इस पे बांध देते हैं। अब हमारा पतंग जो है एकदम दौड़ने लग जाएगा, कहाँ क्या करेगा पतंग, पतंग दौड़ने लग जाएगा इस तरह से। ये लो।